नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां पर आपको बता देगी जानकारी के मुताबिक यहां पर बीए की छात्रा कोचिंग गई थी, लेकिन जब कोचिंग नहीं पहुंची तो कोचिंग संचालक ने परिवारजनों को इसको सूचना दी थी। अब इस बीच जानकारी मिलते ही यहां पर परिवारजनों ने रोड जाम कर दिया और इसका विरोध जताया कि यहाँ पर उनका आरोप है कि किसी ने उन्हें अपहरण कर उसके साथ गलत वारदात को अंजाम दिया है। इस बीच लगातार बताया जा रहा है कि परिजनों ने यहाँ पर गुस्सा होकर तकरीबन 5 घंटे तक रोड जाम कर दिया। खबर बिहार के सहरसा से निकल कर आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि छात्रा काजल कुमारी के चाचा की माने तो सुबह तकरीबन 7:30 बजे रहुआमनी से कोचिंग जा रही थी, वो साइकिल से जाती थी। इस बीच बताया जा रहा है कि रोज़ की तरह कोचिंग पहुँची, लेकिन यहाँ आज कोचिंग नहीं पहुँचने पर कोचिंग संचालक ने परिवारजनों को सूचना दी कि आपकी बेटी अभी तक कोचिंग नहीं आई है। लेकिन इधर बताया जा रहा है कि अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने परिवारजनों से बातचीत कर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद जांच करना शुरू कर दिया। वहीं काफ़ी समझाइश के बाद हाईवे एग्जाम को खुलवाया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बन रही है चैनल पर नए, विजिट करें चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।